स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। बी न्यूज नेशन इंपैक्ट। बागलकोट रोड का काम शुरू। हमने पिछले दो मरतबा बागलकोट रोड की खराब हालत को लेकर खबर बनाई थी। पहली खबर 22 जनवरी को दिखाई गई थी, जिसमें अंग विकल व्यक्ति ने रोड पर चटाई डालकर अपना आक्रोश जाहिर किया था। हमने तब भी आवाज उठाई थी। देखिए 22 जनवरी की न्यूज। मगर इस न्यूज के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद इस रास्ते से लोगों को होने वाली परेशानियों का जायजा लेने के लिए दोबारा हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम ने 5 फरवरी इसका मुआयना किया और जनता की परेशानियों को भी दिखाया। हमने इस रास्ते पर सवाल उठाया था कि इस रास्ते पर केबी, आरटीओ ऑफिस और जीएमसी कोर्ट है और इसी रास्ते पर कांग्रेस बीजेपी की ऑफिस भी और सबसे अहम महानगर पालिका भी इसी रास्ते पर पड़ता है, तो क्यों खामोश हैं ये सब लोग? हमने ये सवाल उठाया था। देखिए हमारी 5 फरवरी वाली न्यूज़। जनता परेशान, प्रशासन की आंख और कान बंद। कई महीनों से आरटीओ ऑफिस, केबी कोर्ट, बीजेपी पार्टी ऑफिस, कांग्रेस पार्टी ऑफिस और हुडको रोड। मैंने इस रोडों के इतने नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये रोड इन सभी नामों से जानी जाती हैं। इस रोड पे ये सब ऑफिस मौजूद हैं और इसी रोड से हमारे न्यायाधीश, वकील, महानगर पालिका के अध्यक्ष, कमिश्नर, कॉरपोरेटर्स और हमारे नेता जो अपने पार्टी दफ्तरों को आते जाते रहते हैं, सब जिम्मेदार खामोश नजर आते हैं। इस रास्ते का हाल इतना बुरा है जो सबको दिखाई देता है, मगर प्रशासन खामोश। तो खड़ी डाले हुए हैं, ये जो है पूरी सूख कर फिर दोबारा उसी तरह गड़े पड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है अभी पक्का काम यानी इस पर जो है टार रोड या किसी किस्म का पैच रोड अभी बनाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है। अब जनता की पुकार और हमारी आवाज़ पर प्रशासन हरकत में आते हुए जनता के हित में अपना कर्तव्य निभाते हुए रोड की मरम्मत का काम शुरू कर चुकी है। जिससे जनता ने आज राहत की सांस ली। सुनिए जनता की जुबानी। इस रोड की खस्ता हालत और यहाँ की जनता की परेशानी देखकर यहाँ के एक अंग विकलांग व्यक्ति चिरंती स्वामी ने इस रोड के खिलाफ आवाज उठाई। आइए इन्हीं से पूछते हैं। ना स्ट्राइक मर्द को बी न्यूज सहाय मर सर नमग आर एल नम्बर न्यूज पोट सर और अद्वू ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಗಿಸ್ಯಾರ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯದ ಸರ್. ದೇಖೋ ರೋಡ್ ಕಾ ಕಾಮ ಕೆ ವಜೆಸೆ ಹಮಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಯಿ ನೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಿಯಾ ಥಾ ಇಧರ್ ತೋ ಬಿ ನ್ಯೂ ನೇಷನ್ ವಾಲೋ ನೇ ಇಸ್ಕೋ ಇಸ್ಕಿ ಆವಾಜ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಆವಾಜ್ ಸಾಬ್ ಲೋಗೋ ತಕ್ ಪಹುಂಚಾಯಿ ಉನ್ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಬಿ ನ್ಯೂ ನೇಷನ್ ವಾಲೋ ಕೋ ಲೇಕಿನ್ ಫಿರ್ ಭೀ ಕಾಮ ಯೇ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಥೋಡಾ ಬಹುತ್ ಇಸೆ ಪೂರಾ ಕರೇ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಗುಜಾರಿಶ್ ಹೈ ಹಮಾರಿ ಔರ್ ಥೋಡಾ ಬಿ ನ್ಯೂ ನೇಷನ್ ವಾಲೇ ಭೀ ಉನ್ಕೋ ಸಾಬ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಸಮಜಾಯಿ. ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾಂತೇಶ್ ಬೇವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ರೋಡ್ ಏನದ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿ ನೇಜ್ ಅವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದು ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ನಡೆದದ. ಆದ್ರೂ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇದ್ರಿ ಸರ್, ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ.
ಸಲ ತೋಯ್ದು. बीजापुर शहर का ये बागलकोट रोड जो बागलकोट क्रॉस से लेकर महानगर पालिका के सामने से होता हुआ वज्रनुमान रेलवे गेट तक जाता है, पिछले दिनों हमने बी न्यूज़ नेशन पर कंटिन्यू रिपोर्ट दिखाई थी कि बागलकोट रोड का ये जो रोड है जो न्यायालय के सामने से गुजरता है बिल्कुल खस्ता हालत में था. तो सबसे पहले आवाज़ उठाई, एक अंग विकलांग व्यक्ति ने आवाज़ उठाई, स्ट्राइक किया और लोगों की परेशानी देखकर हमने भी दो मर्तबा इस रोड की न्यूज़ बताई और महानगर पालिका के और उच्च अधिकारियों तक हमने आवाज़ पहुंचाई. और आज आप ये जो है बी न्यूज़ नेशन का इम्पैक्ट देख सकते हैं. यहाँ पर जो है पैच वर्क चला हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इतने खस्ता हालत में ये रोड था कि आने जाने वाले लोग जो है काफ़ी परेशानियों से यहाँ पर गुजरते थे. ऑटो चालक हो या रिक्शा चालक हो या बस चालक हो, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर गुजरते थे और यहाँ पर जो काफ़ी परेशानियों से गुजरते थे. हमने जो है ये न्यूज़ बी न्यूज़ नेशन पर बताई और अधिकारियों ने इसकी आवाज़ को सुनी और ये आज बी न्यूज़ नेशन का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि इस रोड पर पैच वर्क हो रहा है. तो पूरी तरह से ये जो पैचवर्क जो महानगर पालिका से लेकर बागलकोट रोड क्रॉस तक ये पैचवर्क का काम चला हुआ है. तो हमने इस खस्ता हालत जो है रोड की बताया और यहाँ पर एक बड़ा ये है कि पब्लिक जनता ने इसकी आवाज़ उठाई और हमने जनता की आवाज़ को अधिकारियों तक पहुँचाया और ये रोड का पैच वर्क शुरू है. तो सवाल यहाँ ये होता है कि जनता की आवाज़ से ही क्या अधिकारी जाग उठेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है. कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर.